This is your host Rachit Pangala. I hope you all are fit and fine. कैसे हो आप सब लोग भाई? और मम्मी और वाले लोग कैसे लग रहे हैं जो बताना कमेंट सेक्शन में. सो जो बंदे नए आए भाई मेरे चैनल पे, मेरा नाम है रचित पंगाल और मैं व्लॉग्स बनाता हूँ भाई अपने ज्यादातर एनिमल्स के बारे में, बट मेरे फैमिली व्लॉग्स भी होते हैं कुछ. तो मेरे नाम से चैनल है तो इसलिए मेरे लाइफ के अराउंड चलता है. पर आज की वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, मैं जैसे यूके में रहता हूँ इस टाइम, जस्ट अभी मैंने अपनी ना जॉब फिनिश करी थी और मेरे को ना ये वाली शॉप दिख गई. ये एक काइंड ऑफ एक्वेरियम शॉप है और यहाँ पे कैफ़े भी हैं. सो मेरे को ये दिख गई और मेरे को से रुका नहीं गया भाई. आपको पता ही, आपके भाई का जब मैं इंडिया था तब भी ऐसे ही करता था, कोई भी पेट शॉप दिखती मैं जल्दी से भाग आता था. तो फिर मेरे को ये दिख गई और मैं अंदर आ गया. मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो कहते कि श्योर आप बना सकते हो. तो आते ही मैं आप सबको पहले सबसे पहले ये चीज़ दिखाता हूँ. मैंने आज तक कोई फिश कभी भी, मतलब इतनी बड़ी और इतनी सुंदर कोई फिश कभी नहीं देखी. और यहाँ फिशेज़ के रेट सुनोगे ना आप, जो मैं यूट्यूब पे देखते हैं ना वहाँ की, कोई 50,000 रुपये की फ़िश है, 60,000 रुपये की, 40,000 रुपये की, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कन्वर्ट करके, ये पाउंड्स में रेट है यहाँ पे. तो इतनी महंगी फ़िश ना आपने सुनी है पर वो देखी नहीं है कभी. तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? और सारे इस पूरी फैसिलिटी का ना प्रॉपर टूर दिखाऊंगा. और यहाँ पे इनके पास स्नैक भी है भाई. मैंने स्नैक भी नहीं देखे थे यार पहले, मतलब यूँ तो देखे हैं अपने खेतों में पर ऐसे नहीं देखे जो पालतू हो. तो सारी चीज़ दिखाता हूँ. तो एक बार क्विक रिव्यू दिखाता हूँ मैं आपको और ये प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि वो बंदा क्या करने लग रहा है. तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, पर एक बार ये दिखा देता हूँ. ये इनकी आउटडोर फैसिलिटी है और यहाँ पे क्या है, इन्होंने छोटे छोटे सेटअप करे हुए हैं जो इनकी पौंड की जो फिशेज होती हैं. तो यहाँ पे क्या है भाई, यूके में ना लोगों को पौंड बनाना बहुत अच्छा लगता है. इनका क्या सीन है, इनके घरों में फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड हमेशा है ही है. तो बैक यार्ड में ना कई जिनकी हॉबी है तो वो सोचते हैं कि हमें पौंड चाहिए. और उस पौंड के अंदर सबसे बेस्ट फिश आप सबको पता है, कमेंट सेक्शन में बताना पौंड के लिए सबसे बेस्ट फिश कौन सी होती है. मैं तो भी बता दूंगा पर यार पॉज करो वीडियो को, बताओ यार, है ना, इससे थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ेगी और मज़ा भी आएगा यार कि देखते हैं आप लोगों को पता है नहीं पता. तो पौंड के लिए सबसे बेस्ट फिश होती है कोई फिश. तो ये देखो, ये होती है कोई. और कोई फिश इंडिया में बहुत सारी मैंने देखी है शॉप्स में, पर यार ऐसा नहीं कह रहा मैं इंडिया में क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया. पर ना इतनी साफ सफाई में ना मैंने सच में नहीं देखी कहीं भी. पर यहाँ मैंने पहली या दूसरी शॉप पे मैं विजिट कर रहा हूँ और ये देखो कितनी साफ सफाई है यहाँ पे. ये हैं कोई फिशेस. और सच बताऊँ भाई मैं इतना इनका फ़ैन नहीं था, पर अब मैंने इनको ऐसे देखा है ना तो मैं सच में फ़ैन हो गया. मैं बहुत सुंदर है यार. तो मैं आपको जल्दी जल्दी ना ये विजिट कराता हूँ, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें होगी वहाँ रुक के मैं प्रॉपर दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये साइज़ देख लो इन कोई फिशेज का. और भाई ये ना 14 से 16 इंच का साइज़ है. और ये प्राइस देख लो भाई, एक फिश का प्राइस है 195 pounds, ऑलमोस्ट 20,000 रुपये इंडिया के हिसाब से, ठीक है? तो ये देख लो, एक मछली 20,000 रुपये की है भाई. तो लेट्स गो. ये भाई ये छोटा साइज़ है, सेम कोई फिश है. ये देख लो प्राइस यहाँ लगे हुए हैं, आपको साथ के साथ जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ. मुझे पता है तुम लोग इनमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगे, जो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो ना वो दिखाता हूँ मैं पहले तुम्हें. पर एक बार ये जल्दी जल्दी ये कवर कर देते हैं. पर इनकी एक बात मानने की है भाई, ये साफ सफाई पूरी रखते हैं. ये देखो. और ये गोल्ड फिश का सेक्शन है, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फिश रखी हुई है. और गोल्ड फिश वो लंबे वाली होती है ना, वो वाली है ये. इनका नाम मैं भूल गया क्या था, पर होता है इनका नाम, क्योंकि गोल्ड फिश बहुत सारी तरह के आती हैं. और ये क्या है भाई, वो ये देखो, ये देखो, ये देखो. तो मतलब ये भी कोल्ड वाटर फिश है. ये आगे ऊपर आ गई भाई, ये तो मैंने नहीं देखी थी कभी.
मस्त है यार ये तो यार, सच में मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ आगे ना, जो मैं टीवी में जो फॉरेन वाले अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स है यूट्यूब पे उनके उनके ना यूट्यूब पे देखते थे आप, ये वाली फिशेज मैंने नहीं देखी थी तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यार। ये देखो, ये देखना तो, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे आर केप्ट इन दिस थिंग? They're only in these baskets for a few minutes. This is before we start to take the photographs to upload onto the internet. Okay. So these are the new fish. These have been here about 5 weeks now. Oh. Come out of the quarantine building. Yeah. And we're going to get them photographed and get them ready for sale on our website, which is jwgkoi.com. And we do one at a time. Each fish has to be individually photographed in the basket. Okay, so now you'll take a photograph and put it on your website, yeah? Yeah, that's right. One photograph, one video, and then it gets uploaded onto the website. This is a sock that you use for lifting your fish up with. And you can scoop them out. Yeah, this thing is good. Yeah, this thing is good. For the handling net. And less stress for the fish also. It's just simple. Yeah, easy, easy, simple. No stress for the fish. And you don't get any. Main thing is that no stress for the fish. And easy to handle. That's right. So, open at both ends. Scoop the fish in. And just take it wherever you go in and drop it out. Yeah. Very, very worthwhile tool that. And by the way, sir, you are having one of the most beautiful kois I have ever seen in this. Thank you very much. If it will be okay, can I ask from where these koi fishes come to your facility? Israel, these koi. Israel. Did you put the fish food in the pond? No. Let's get you some fish food. Put the net on there. Yeah, sure, man. So, fish food dal ke dekhte hain aur inki bahut badhiya reaction aane wala hai. तो भाई फिश फूड लेके आ रहे हैं बंदा। This will get them to come up and feed for you. At the start of the season, yeah, this pond is completely full of fish. All this board there is covered with the fish's tickets. You generally fill all that up as well. Okay. But what's happened is we've had a really good season, and throughout the season we've been running this buy two get one free offer. Which really does get people buying the fish. They're just irresistible at the buy two get one free. It's very good, man. It's very good. Very good. तुम्हें ना इस साइज का पता नहीं, मेरे को मतलब साइज इनका सच में बहुत बड़ा है। अब मेरा हाथ देखना, इस मेरे हाथ के हिसाब से देख लो तुम। ये देखो कितनी बड़ी फिश है यार, बहुत बड़ी फिश है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इनके प्राइस देख लो, तुम हैरान हो जाओगे। ये देखो भाई, मतलब ये वाला 550 pounds। अब मुझे ये नहीं पता ये सिंगल फिश का, और अगर ये सिंगल फिश का है तो इंडिया के हिसाब से ये 50,000 रुपये की मछली है भाई, एक 50,000 रुपये की, और उससे ऊपर ही है ये देखो। तो आप एक काम करते हैं, येलो वाली फिश है, इनका रेट देखते हैं। ये येलो कलर की है ना, इसका रेट एक पे लिखा हुआ है 450 pounds। तो ये फिशेज ये वाली हैं, 450 pounds, मतलब 45,000 रुपये की मछली भाई। तो भाई अब अंदर आ गए अपन, ये इनका केज सेक्शन है, यहाँ पे ये मतलब केजेस वगैरह रखे हुए हैं। अब ये केज डिपेंड करते हैं कि किस किस चीज़ के हैं, ज़्यादातर ये बर्ड्स के लिए ही है, पर मैं आपको अब इंडोर आके दिखाता हूँ कि इनके पास और क्या क्या सेटअप है। ये वो इस गोल्ड फिश है, ये अपना। अच्छा भाई एक बार बताना, तुम इन्हें भूल तो नहीं गए उसको? ये फिश दूसरी है, पर काइंड ऑफ किसकी याद दिला रही है ये? बंटी और बबली की, अपने घर पे जो बंटी बबली है, और वो बहुत बढ़िया है। आप कहोगे ना तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं उनकी वीडियो डालूंगा कि उनकी ग्रोथ कितनी होगी। लेट्स सी, आप वो वीडियो भी जरूर डालते हैं, इससे नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो डालूंगा। तो ये देखो, ये सारे इनके फ्रेश वाटर है, और काइंड ऑफ फ्रेश वाटर और कोल्ड वाटर कह सकते हैं, क्योंकि ये ठंडे पानी की मछलियाँ हैं सारी, ठीक है। और ये देखो, ये मछली है,
मिस हो जाती है। ऐसी ऐसी मछलियाँ मेरे को ना इन पे थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि ये वाली फिशेज नो डाउट ये बुरी नहीं है, पर ये बहुत कॉमन है ना। क्वालिटी अलग चीज़ हो सकती है, क्वालिटी बहुत अच्छी अच्छी भी आती है इनमें, नो डाउट ये भी हो सकती हैं, पर मेरे को इनमें इतना इंटरेस्ट है नहीं जितना मेरे को अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे प्लांटेड टैंक्स वगैरह मैं और ज़रूर बनाऊँगा मेरे लिए भाई यहाँ पे। ये वही एज यूजुअल सेम चीज़ है, पर अब यहाँ आ जाओ आप, ये है मरीन टैंक। और ये देखो भाई, इसका नाम बताना, ये कौन सी फिश है, इसका नाम बताना मुझे। ये कोरल रीफ्स हैं, ये लाइव कोरल है, और वो छुप गई है मछलियाँ, पीछे चली गई हैं, पर इनकी मुझे किसी का भी नाम नहीं पता। और ये देखो छोटी सी स्टार फिश यार, कितनी छोटी है। आप लोगों को अगर इनका नाम पता है ना तो मुझे ज़रूर बताना भाई कमेंट सेक्शन में। मेरा इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद। और ये देखो ये वाली फिश देखना, येलो कलर की, कैसी लग रही है। ओ कुछ की भागी, अंदर भागी। अच्छा है यार, अच्छा है, मतलब कि अच्छा लगा मुझे। इन सारी एक्सेसरीज है यहाँ पे। अब ये आ गई है सारी टेट्रास, ये जो है ना इनको यहाँ पे हीटर की जरूरत है, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा है ना, तो ये सारे फिशेज है जिनको हीटर की जरूरत है। ये देखो कप्पीज, ज्यादातर कॉमन चीज ही दिख रही है मेरे को, पर भाई ये शेल ड्वेलर्स तो नहीं है, क्योंकि मुझे ये मछलियाँ चाहिए थी, क्योंकि मैं किंग ऑफ DIY है ना, उनका जो चैनल है उन पे उन्होंने रखी थी यार। और शेल ड्वेलर्स बहुत सुंदर छोटी छोटी चिकलेट्स होती हैं, और वो शेल्स में रहती है, और मुझे नहीं पता ये वही है या नहीं, क्योंकि पर काइंड ऑफ लग वैसी ही रही है। ये देखो सुंदर लग रहा है यार, सुंदर लग रहा है ना, अच्छी फिशेज है, अच्छी कलेक्शन है इनके पास। ये देखो ये सारी फीमेल बेटास है, ये फीमेल बेटास है, और मेल बेटा दिखाता हूँ आपको, ये भी मेल बेटा, वो एक तो यहाँ निकली हुई है। और एक देखो यहाँ निकली हुई है। अब यहाँ जो सिकलेट्स में, ये भी अच्छी मछली है भाई। एक बात है भाई, सारी हेल्दी मछली है इनकी, ये यहाँ ना सारा प्रॉपर रूल के हिसाब से चलते हैं भाई। अच्छी सिकलेट्स हैं, ये देखो भाई। अच्छा इनके रेट वगैरह तुम कहोगे तो मैं बता दूंगा, बाकी ये देख लो ये लगे हुए हैं, मैं इसलिए बोल नहीं रहा, जो मेन रेट बाहर वालों के तो मैंने बताए थे। और ये देखो ये फिशेस देखी नहीं मेरे को, ये हैवी हैवी। अच्छा इसमें क्या है भाई, इसमें पता नहीं क्या है, जो भी अंदर छुपी हुई है नहीं हो रही। डिस्कस देखो कितनी सुंदर, कितनी हेल्दी डिस्कस है। नीचे भी है डिस्कस, बड़ी हेल्दी फिश है यार इनकी। चलो आगे दिखाता हूँ आपको, ये कवर कर दिया, यहाँ पे स्टोन्स वगैरह रखे हुए हैं, ये देखो। बाकी देखो वैसे यार यहाँ पे सिस्टम बहुत बढ़िया है भाई, आप मतलब एक्सेसिबल चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब चीज़ें मिल जाएगी आपको अगर कुछ चाहिए होता है तो। अच्छा रेट देख लेते हैं थोड़े, एक्वेरियम के कितने का मिलेगा, खाली एक्वेरियम का रेट है 175 pounds अगर इनका कार्ड खरीदते हो तो। अच्छा कैबिनेट अलग है,
दोनों मिला के 250 एक पाउंड का, मतलब मोटा मोटा 300 पाउंड में सारा सौदा आ जाएगा। तो ठीक है यार, ठीक तो कहाँ खाक, ठीक है 30,000 का है ये इंडिया के हिसाब से देखे, पर यहाँ के हिसाब से मुझे रेट का पता नहीं क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मैं घूमा नहीं हूँ। ये देखो रेट सही है यार, चीज़ें तो बहुत है यहाँ पे, देखो सारे फिल्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें सुंदर है। और ये फिटिंग फुटिंग अगर पौंड वगैरह बनाते हो तो बहुत सारी फिटिंग वगैरह यार वहाँ नहीं जाता मैं, अपने अपने मतलब की चीज़ देखते हैं। ये देखो नेट्स वगैरह सही है। चलो अब आप लोगों को ना, अब आप लोगों को दिखाता हूँ बर्ड्स। अच्छा उनके रेट देखियो, इंडिया में तो अपन ने जमा मट्टी पलीट कर रखी है चीज़ों की। ये देखो बजेज, इन्हें रेट देखो यहाँ पे, यहाँ अगर यहाँ देखो 63 पाउंड 35 पाउंड का एक, मतलब 3,500 रुपये की एक है ये। ये फिंचेस, ये पता नहीं कौन सी है यार, अब ये कैनरी है। देखो कैसे देख रहे हैं, ये चूहे नहीं है कुछ हो रही है, फीमेल जर्बिल। कैसे देखते पा रहा है, इनमें खाली पड़े हैं शायद, खाली है मकड़ी, मकड़ी। और ये पता नहीं कहाँ है, ये हर बार मुझे नहीं दिखती भाई, नहीं दिख रही, छोड़ दो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये है गेको और ये बैठी है उसके अंदर, देख रहे हो। मैं शांत इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है स्लो बोलने का। ये भी गेको है, अब इसमें मुझे गेको नहीं दिख रहे हैं, अब मैं कैसे देखूं पता नहीं, मुझे नहीं दिख रही है। ये कौन सा ड्रैगन है, अब ये कहाँ है यार, ये सिस्टम खराब रहता है, इनको ले लो और ये बैठा आगे। देख सारे जगह देख लिया, दिख ही नहीं रहा था। मिलियन, अब ये भी ये नहीं दिखाता मुझे, चलो तुम भी देखो इसमें है या नहीं है। नहीं दिख रहा। उई फ्रॉग दिख गया, फ्रॉग दिख गया, दिख रहे हैं मेंढक, भाई 5,000 रुपये का मेंढक है एक। अच्छा भाई सांप देख लो अब तुम, ये इसके अंदर है सांप, पहले मेरे को दिखा था अब नहीं दिख रहा। ये पहले इसने छोटा सा मुंह निकाल हुआ था यहाँ से बाहर, पर अब ये बाहर नहीं निकल रहा। यहाँ पे क्या करूँ मैं, कैसे दिखाऊँ तुम्हें, मुझे दिखाना तो है तुम्हें पर कैसे दिखाऊँ, इसके नीचे है ये। अच्छा इधर भी सांप है, इधर वाला सांप तो तुम्हें दिख रहा होगा, देखो वो रहा, वो ये रहा, ये रहा भाई, ये तो मुझे दिखा ही नहीं था, दिख गया क्या ये एक पूरा। ये भी पहला एनकाउंटर है मेरा सांप के साथ। अब इसमें क्या है, ये भी सांप है भाई, ये पाइथन है, पर इसमें है कहाँ पे ये दिख नहीं रहा मुझे।
ये इसमें गेको है। ये देखो ये है टॉर्टोइस। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर 1% भी अच्छी लगी हो ना वीडियो को ना सब्सक्राइब कर लो भाई, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो और आगे अच्छी अच्छी चीजें और आती रहेगी इस चैनल पे। ऐसे ही प्यार बरसाते रहो और बहुत जल्दी मैं थोर से मिलने वाला हूँ, तो मैंने हिंट दे दिया है, तो अच्छे अच्छा कंटेंट बहुत अच्छा आने वाला है। बाकी भाई मैं निकल गया था वहां से, बाहर आ गया था और मैंने पूरी कोशिश करी कि ना वो जो सांप है ना वो दिख जाए मेरे को हाथ में आ जाए, पर वो निकल ही नहीं रहा था। और फिर मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करा उसको, तो इसलिए फिर मैंने निकाला नहीं। और बाकी सब अच्छा हुआ, अच्छे अच्छे और वीडियो आ जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।